हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्थ वायर किस तरह से चेक कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी कि जी अर्थ वायर घर में लगाई है, बिजली का बिल आधा हो गया, मीटर जो है उसका चलना बंद हो जाएगा, या इस तरह की जो बातें हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके घर में कोई पुराना पाइप अगर कनेक्शन लगा हुआ है पानी वाला, तो आप उसके जरिए चेक कर सकते हैं कि आपके घर में अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसके साथ में आपको बताऊंगा कि अर्थ वायर लगाने का आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा आपको। चलें नीचे चलते हैं और देखते हैं। हाँ जी भाई, तो ये बोर्ड है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के ऊपर पहले बल्ब यहाँ पर लगा कर दिखाऊंगा कि जी मीटर से तारें आ रही हैं। और ये वो पाइप है जहाँ पर आपको पुराना कनेक्शन था जो पानी वाला बंद हो गया हुआ। अब यहाँ से मैं आपको जो है अर्थ जो है वो चेक करवाऊँगा। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये टेस्ट होल्डर, इसकी तारें जो है मैं पहले बोर्ड में लगा कर दिखाऊँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह से यहाँ से अर्थ चेक कर सकते हैं अपने घर में, कि आपके घर में अर्थ आ रही है या नहीं आ रही। हाँ जी भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने टेस्टर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी बोर्ड में फेस और न्यूट्रल जो है वो किस पॉइंट में है, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बल्ब की जो है वो तारें लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, फेस और न्यूट्रल मेरी दोनों आ रही हैं मीटर से और मेरा बल्ब जो है वो फुल ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इस टाइम मैं जो है वो मीटर की तारें जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब एक तार जिस पॉइंट में मेरा फेस आ रहा था बोर्ड में, मैंने फेस की तार उसी बोर्ड में रहने दी है, और न्यूट्रल की जो तार मैं बोर्ड में लगा रहा था उस तार को अब मैं लाकर यहाँ पर उस पानी वाले पाइप के ऊपर लगा रहा हूँ। इस टाइम जो है वो फुल 100% जो है वो अर्थ जो है वो जनरेट कर रहा है, जिसकी बदौलत मेरा बल्ब जो है वो फुल 100% ग्लो है। ये देखें जी, एक तार मैंने बोर्ड में लगाई हुई है और दूसरी तार जो है वो मैंने उस पानी वाले पाइप के ऊपर लगाई हुई है। तो ये देखें जी, इस तरह मेरे घर पर जो है मुझे गरा खोदे बगैर ही यहाँ पर अर्थ जो है वो मिल गई है। हाँ जी भाई, तो भाई आपको लाइव एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखाया है अर्थ वायर का। इसके लिए मैंने कोई गरा नहीं खोदा घर में, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या था, एक पानी वाला पुराना पाइप लगा हुआ था, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो अर्थ जो है वो जनरेट कर रहा है। तो अब जो लोग कहते हैं जी कि आपकी जो है अर्थ वायर घर में आपने लगाई है, हमारा बिल जो है वो हमारा आधा हो गया, वो किस तरह से आधा हो। अगर आपने घर में अर्थ वायर लगा ली है, ठीक है, और आप गवर्नमेंट की फेस की तार को आप यूज कर रहे हैं और न्यूट्रल की बजाय अगर आप अपनी अर्थ वायर को यूज कर रहे हैं, तो आपका मीटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसकी वजह से आपका जो है वो बिल भी आधा हो जाएगा और ये तमाम चीजें आपकी हो गई, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आपका मीटर ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप गवर्नमेंट की एक तार यूज कर रहे हैं। जब तक आप दोनों तारें यूज नहीं करेंगे, आपका बिल जो है वो जनरेट ही नहीं होगा। और अब बात आ गई यहाँ पर कि आप इस तरह कर सकते हैं या नहीं। तो अगर तो आप अर्थ वायर लगाकर इस तरह फेस की तार गवर्नमेंट की मीटर से लेकर और न्यूट्रल आप जो है अपनी अर्थ वायर से ले रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से कोई भी घर में चीज चलाते हैं, तो ये आपकी इलीगल जो है वो एक्टिविटी होगी और ये आपके ऊपर फाइन हो सकता है। अगर कल को कोई आकर वापडा वाले या कोई भी बिजली वाले आकर आपको चेकिंग करते हैं आपके मीटर की आपके घर में, और अगर आपको उनको पता चल जाता है कि आपने घर में अर्थ वायर लगाकर कोई चीज चलाई हुई है, तो आपका मीटर भी कट सकता है, आपको अच्छा खासा फाइन भी होगा। हर अपने कमरे में हर एक बोर्ड के अंदर अर्थ की एक तार लगाएंगे, तो उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि खुदा ना खासा अगर किसी को घर में करंट लगता है, तो वो करंट को जो है ना उसको पकड़ने के बजाय करंट जनरेट होकर अर्थ वायर से जमीन में चला जाएगा, उससे जो है आपकी जो है लाइफ सेव हो जाती है। तो भाई सिंपल अर्थ वायर का जो है ना इतना ही मेन काम है। और जो भी अगर आप इस तरह की अर्थ वायर लगा के घर में कोई चीज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं या कोई भी चीज चला रहे हैं, तो आप बिजली चोरी कर रहे हैं, तो आपकी ये इलीगल एक्टिविटी ही काउंट होगी। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।